राधा स्वामी, आपने दो शब्द सुने हैं, गौर करना जरा। कबीर साहब ने तो उस स्थान का वर्णन किया है जहाँ हम से आए हैं। वो कहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, न सूर्य है, न चांद है, न प्रकाश है, कुछ भी नहीं है वहाँ। वहाँ कौन है? कुछ है। दाता दयाल ये स्वामी जी महाराज ने लिखा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था। तो फिर वो कहते हैरत 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 होई कि मैं उसको देखकर हैरान हो गया। बाबा फकीर जी ने भी उसका जिक्र किया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन क्या उसकी दुनिया को ज़रूरत है? नहीं, दुनिया को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को तो दुनिया चाहिए, और कोई संत है जो वहाँ जाने की इच्छा करेगा, महापुरुष है कोई जो वहाँ जाने की इच्छा करेगा, जिसने दुनिया के जम लोग को देख लिया, दुख सुख को देख लिया, वो वहाँ जाने की इच्छा करेगा। और स्वामी जी महाराज जहाँ दाता दयाल कहते हैं कि तू जाग भाई, सवेरा क्यों भटकता फिरता है। अब सभी संतों ने, मुझे शास्त्रों का नहीं पता शास्त्र क्या कहते हैं, लेकिन संतों ने जो बात कही एक ही कही है, उन्होंने दूसरी बात कही नहीं। क्या कहा? एक पिता एक किसके हम बालक, हमारा मालिक एक है। और फिर कहा तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। अब बताइए तो क्या मंदिर में है? तो वो तो कहते तुम्हारे अंदर है, फिर भी हम मंदिर बना रहे हैं, हम मंदिरों में भागे जा रहे हैं और मूर्तियों पर हम लड़ रहे हैं। हालांकि जी कहा गया है कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। ये सारी रचना किसकी? राम की है। वो राम नहीं है जो दशरथ का बेटा है, वो राम नहीं है। दुनिया ने इस बात को नहीं समझा, हमने आदमी को पकड़ लिया बस, उसकी पूजा करने लग गए। और फिर क्या कहा? सब मानस की जात सब एक है पहचान वो। ये भी श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज कह के, मानस की जात सब एक ही पहचान वो। मानव की जितनी मानवता है सब एक ही हैं, सब में वो एक ही समाया हुआ है। लेकिन फिर भी देख लो हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि काल और माया का ज़्यादा जोर है। काल और माया ने हमें इतने कंट्रोल किया हुआ है कि हम अपने आप को सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं कौन हूँ। दाता, मैं आज आपको दाता दयाल नहीं किसका शब्द है, कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ, वो सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। वो भी यही कहते हैं, लेकिन सुनने वाले या सुनाने वाले या कुछ कहने वाले वो भी नहीं इस बात को सुन मानते। कबीरों के पथ, कबीर साहब को पता नहीं कितने पंथ बने हुए हैं, कबीर पंथी कितने डेरे हैं उनके, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि असलियत क्या है। बस अपने अपने राग लाप रहे हैं, मन के लेवल पर या बुद्धि के लेवल पर बोल रहे हैं। कबीर साहब जो कहना चाहता है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने संतों की बात बता दी कि सब में एक ही समाया हुआ है, दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी भटक रहे हैं। अगर सब में एक है तो जो एक है वो मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। अगर मुझे उसका पता लग गया तो मुझे शोर बचाना चाहिए कि बाहर कुछ नहीं। संत यही तो करके गए, उन्होंने पहले अपना अनुभव किया। कबीर ने वहाँ का अनुभव करके बता दिया कि वहाँ क्या है। बताऊँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ ना रैन ना दत्तियाँ, ना बात दिन है ना रात है, वो एक जगह है, वो सदा रहने वाली है। ये संसार सदा रहने वाला नहीं है, ये हमारा शरीर भी सदा रहने वाला नहीं है, ये हमारा मन भी सदा रहने वाला नहीं है, हमारी आत्मा भी सदा रहने वाली नहीं है। एक चीज़ चौथी है जो सदा रहने वाली है, जो अजर है, अमर है और अविनाशी है, उसका कोई जिक्र नहीं करता। लोग सब मन की, इस माया की, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा की बातें करते हैं। आत्मा तो एक तुम्हारे शरीर का अंग है, जैसे हाथ मेरे शरीर का अंग है, आँख मेरे शरीर का अंग है, या और मेरे पांच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, ऐसे आत्मा भी एक अंग है। आत्मा एक एनर्जी है, और तरह की एनर्जी है जो कि प्रकाश रूप में हमारे अंदर है।
जहाँ प्रकाश होगा वहाँ तपिश भी होगी, गर्मी भी होगी और वहाँ प्रकाश भी होगा। वो काम हमारी आत्मा का है, लेकिन जो हम वास्तव में हैं वो कुछ और हैं। वो क्या है वो तो सब संतों ने बताया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कहो क्या कहते हैं कबीर साहब। साधो एक आप जग माही, वो कहते हैं एक है बस, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा तो हमने बनाया, हमने न जाने कितने देवियों को बना दिया, कितने देवताओं को बना दिया, कितने क्या कुछ कर रहे हैं हम, सिर्फ अपने मन को खुश करने के लिए, केवल अपनी मानसिक शांति के लिए कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। वो जो एक है वो सब में वो ही है, सब में एक ही है। वो कहते साधो एक आप जग माही, सब में वो अपने आप विराजमान है। कैसे आगे कहो। साधो एक आप जग माही, दूजा करम भरम है कीर्ति में, दूजा करम भरम है कीर्ति में, जो दर्पण में छाही। अब वो कहते हैं दूसरा तो है ही नहीं, बाकी दू तो भ्रम है और कृत्रिम बनावटी है, बनावटी है। कैसे? जैसे शीशे में हमारा रूप नजर आता है, वो रूप तो ठीक नहीं है। शीशे वाला जो तुम देखते हो वो सदा रहने वाला है क्या? तुम इधर हो जाओ शीशा मिट जाएगा। क्या कहा? वो कहते वो बनावटी है, शीशा बनावटी है, उसमें तुम्हें अपना रूप देख लिया, तुम कहते हो हाँ मैं तो ये हूँ और बर्द संवारते हम अपने आप को, वो तुम नहीं हो, तुम असलियत में कुछ और हो। जैसे कबीर साहब ने कहा, पढ़ो फिर यही लाइन। दूजा करम भरम है सारा का सारा, दूसरा कहोगे कि मेरे अलावा कोई अलग चीज़ है, कोई डिफरेंट है, वो है नहीं। जितनी मानव जाति है वो मेरा ही रूप है, जितनी मानव जाति है रूप अलग अलग हैं, जो अंदर बैठा है वो एक ही है, सब में एक है। वो क्या है? वो हस्ती है, वो उस माल के कुल की अंश है। माल के कुल की अंश सब में है, मन सब में एक नहीं है। आत्मा प्रकाश रूप है, वो भी सब में एक है। शरीर हमारा सबका अलग अलग है। दूसरे शब्दों में कहूँगा, दो बातों में हम अलग अलग हैं, शरीर में और मन में हम अलग अलग हैं, आत्मा में और सुरत में हम सब बराबर हैं। लेकिन इस बात को कोई समझने की कोशिश नहीं करता। फिर आगे क्या कहते हैं कबीर साहब, बोलो। दूजा करम भरम है कीर्तिम, जो दर्पण में छाही, जल तरंग जिन जलते उपजे, जल तरंग जिन जलते उपजे, फिर जल माही रहाई। वो कहते हैं हम कैसे हैं? जल में आप लाठी मारो, ऐसे करो, उसमें से एक तरंग उठेगी, लहर उठेगी ना। हम सब में एक ही लहर है, कबीर साहब ने इसको बहुत ऊंचे स्तर में कहा है। जैसे पानी में पानी सारा एक है, पानी एक है, उसमें ऐसे एक आपने कुछ चीज़ डाल दी तो उसमें से तरंग उठेगी। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं वो तरंग सब में एक ही है, जल का भंडार एक है, सागर का भंडार एक है, उसमें से बूंद हम हैं। कबीर साहब ने सिर्फ तालाब का वर्णन किया है कि जैसे जल में आप ऐसे करो उसमें से बुदबुदे भी उठेंगे और तिरंगे भी उठेंगे, इधर को भी जाएगी तिरंग, इधर में भी जाएगी, और फिर वो तिरंग वापस कैसे आएगी? वही आकर बंद हो जाएगी। क्या समझ रहे हो कि नहीं? कि जो हमारे अंदर चीज़ बैठी है, जहाँ से वो आई है, वो वही वापस जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। समय लग सकता है, हमारे कर्मों के अनुसार उसमें समय लग सकता है, हमारे विचारों के साथ हमारा समय लग सकता है,
लेकिन अगर हमें पता लग जाएगा तो हम इसी जन्म में वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर सतगुरु की कृपा हो जाए तो हम इसी जन्म में जहाँ से हम आए हैं, जिस रंग से हम पैदा हुए हैं, जिस सागर से हम बूंद के रूप में आए हैं, हम वापस वहीं चले जाएंगे। ये कबीर साहब का कहना है। आगे कहो। काया झाई पांच तत्व की, काया झाई पांच तत्व की, बिन से कहां समाई। वो कहते हैं जी काया हमारा जो शरीर है ये तो पांच तत्व का है, ये बिन से जाएगी और कहां समाएगी? इसी जमीन में यहां से पैदा हुई है। एक गुरबाणी में एक शब्द है, सो दर के हा सो घर के हा जा में सर्व समाले। वो कहते हैं कि वो घर कितना बड़ा है, वो मालिक का घर कितना बड़ा है, जहाँ सभी वहाँ जाकर समा जाते हैं और पता नहीं लगता वो कहाँ गए। बात समझ गए? पढ़ो फिर यही लाइन, बहुत ऊँची लाइन है। काया झाई पांच तत्व की, बिन से कहां समाए। ये काया जो हमारी पांच तत्व की यही बनी है और यही बिन से जाएगी और कहां समा जाएगी कोई पता नहीं। मिट्टी पानी, पानी में चल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में चल जाएगी, हवा हवा में चल जाएगी और सूरज की किरण सूरज में चल जाएगी और आकाश का बोलना और वहां वापस चलेगा। जब आदमी की डेथ हो जाती है तो ये मिट्टी रह जाती है ना, और क्या रह जाता है। फिर उसको हमारे दाता दयाल का एक शब्द है, लूट पड़ी जग में कितनी लूट पड़ी, एक लूट कही है। और उन्होंने कहा कि जब शरीर की डेथ हो जाती है तो जमीन कहती मुझे दे दे, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, पवन कहता मेरा हिस्सा मुझे दे दे, जल कहता मेरा हिस्सा मुझे दे दे, और अग्नि कहती मेरा हिस्सा मुझे दे दे, आकाश कहता मेरा हिस्सा। सब अपना अपना बांट के ले जाते हैं, तुम्हारे पास क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं, मिट्टी मिट्टी रह जाती है। और उसको फिर हम सोचते हैं चलो कहाँ डालें, गंगा में डालने जाते हैं। क्यों डरते हो उससे? भी गंगा में क्यों डालते हो? कहीं नज़दीक नहीं रख सकते? कोई आदमी मरे हुए आदमी की अस्थियों को अपने घर में नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है इसका पता आपको? डू यू नो इट? नो, मैं जानता हूँ, मैं बता देता हूँ। परमदयाल जी महाराज ने चोला छोड़ने से पहले 1981 में मैं यहाँ था, भगत जी महाराज को बुलाया, वहाँ ले गए। भगत जी मैं अब अमेरिका जा रहा हूँ, मेरा शरीर बक्स में बंद होकर आएगा, उसका संस्कार यहाँ करना और मेरी हड्डियों के ऊपर मानवता के झंडे को लगा देना, ये उनका वचन है। अब इस चीज़ को कोई समझ नहीं सकता, इसको मैं समझता हूँ। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सारी उम्र इंसानियत की शिक्षा दी, सारी उम्र प्रेम की शिक्षा दी, सारी उम्र एकता की शिक्षा दी, सारी उम्र मानवता जाति की शांति की शिक्षा दी। उनके उन अस्थियों में वो ख्याल दायम और कायम हैं और जो भी वहाँ बैठेगा उसको शांति मिलेगी। क्या कहा मैंने? बाकी जो आम साधारण आदमी है वो जैसा जीवन में रहा है उसकी हड्डियों में उसका असर होता है, उसकी हड्डियों चोर है तो चोरी का असर होगा, डाकू है तो डाकू का असर होगा। जैसी जैसी जिसकी प्रकृति है वो इस शरीर में कायम रहती, हड्डियों तक कायम रहती है, उसको जैसा हाथ लगाओगे वैसा उसका ऊपर असर होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरा बड़ा भाई, मेरे से बड़ा भाई सिगरेट पिया करता था, वो सिगरेट पीता था। उसकी जब डेथ हो गई, वो आर्मी से रिटायर होकर आया, जब उसकी डेथ हो गई तो मैं तो उस वक्त हमीरपुर में था, तो मैं तो बहुत लेट पहुंचा, तो जब जाना था अस्थियों लेकर तब भी मैं नहीं जा सका, तो मेरा भाई लेकर गया अस्थियाँ। हमारे पंजाब में अब दो जगह अस्थियाँ जाती हैं, या तो कीर्तपुर में डालते हैं या फिर ब्यास जाते हैं लोग,
जो व्यास को नहीं मानते वो कीर्तपुर में जाते हैं। तो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य किसी की डेथ होती है उनको कीर्तपुर में, वहाँ बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है, गुरुद्वारा बहुत बड़ा है, बड़ा अच्छा इंतजाम है, ऐसा नहीं कि लूट है वहाँ, कोई लूट नहीं है। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई साहब मैं अपने भाई की जो अस्थियाँ थी वो गोद में रख कर बस में गया, मैं बस में गया, तो जब तक मैं गोद में रखे मेरा दिल करे कि मैं सिगरेट पी लूँ। उसने मुझे बताया जब तक मैं बस में बैठा था मेरा दिल करे कि मेरे को सिगरेट मिल जाए तो मैं सिगरेट पी लूँ, और जब कहीं बस खड़ी हो मैं बाहर चल जाऊँ अंदर रख कर उसको, तब मेरे को ख्याल वो आए नहीं। मेरी बात आप सब पकड़ गए, ये बिल्कुल सत्य है कि मरने वाले की हड्डियों के ऊपर उसकी ज़िंदगी का असर रहता है। इसलिए महापुरुषों की जो बड़े बड़े संत हुए उनके मज़ार बने हुए हैं सूफी धर्म में, इस्लाम धर्म में ख़ास तौर पर जो बड़े बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं उनके मज़ार बने हुए हैं, और वहाँ लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ भी मनोकामना पूरी होती है अगर कोई माने सच्चे दिल से, क्योंकि वो ख्याल मौजूद हैं, वो इस जगह पर ख्याल मौजूद हैं, यहाँ पर भी वो ख्याल मौजूद हैं, इस बिल्डिंग में ख्याल हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। इसलिए संतों ने ये असाधारण लोगों के लिए किया। कई ऐसे धर्म हैं जो ज़मीन में दबा देते हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं जो पानी में फेंक देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं वो शरीर को जाकर जंगल में फेंक देते हैं कि जानवर खा जाएंगे, बात समझ गए। लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है वो महान है, सनातन धर्म का संस्कार जो है सबसे ऊंचे हैं, लेकिन इसको तो हमने ताक पर रख दिया, कोई संस्कार नहीं है। 16 संस्कार होते हैं, एक भी संस्कार अब हमारे समाज में नहीं है, सिर्फ हम मूर्ति पूजक हो गए हैं और कुछ नहीं करते। हम आसान से आसान तरीका निकाल लिया जो पहले वाले हमारे संतों ने शास्त्रों में लिखा है, गर्भाधान, शादी का संस्कार, बच्चे को उत्पन्न होने का संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, फिर जटा उतारने का संस्कार, कहाँ रहे अब, कोई नहीं करता, समझ गया ना मेरी बात को। तो इसलिए इंसानियत बहुत गिरावट में चली गई है, बहुत ज़्यादा हम नीचे गिर गए हैं। संत आए हैं जिन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है, जो जाग गए भाग्यशाली हैं, जो नहीं जागे उनकी मौत। आगे पढ़ो। या विधि सदा देह गति सब की, या विधि सदा देह गति सब की, या विधि मन ही विचारो, कहते सबकी यही गति है। सबके साथ ऐसा ही होगा, इसलिए इसके ऊपर विचार करो। क्या विचार करो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे शरीर का क्या बनेगा। ये असली मंदिर है, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही भीतर ना आवे। संतों ने कहा अपने अंदर स्नान करो, गंगा का स्नान तुम्हारे को काम नहीं देगा, अंदर का स्नान करना है। अंदर का स्नान करने के लिए साबुन कौन सा लगाना है, नाम का साबुन लगाना है, तब हमारे अंदर की गंदगी बाहर जाएगी, वरना हम वही की वही रह जाएंगे और वही गति होगी जैसी इन्होंने लिखी है। आगे कहो। या विधि सदा देह गति सब की, या विधि मन ही विचारो, कोई भी धर्म ले लो, मैं कहता हूँ धर्म तो हमने बनाए हैं, भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, घर उस मालिक ने केवल हमें इंसान पैदा किया, केवल इंसान पैदा किया, और सब ही एक ही माता के गर्भ से पैदा हुए, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई ईसाई, कोई भी है, सब माँ के गर्भ से आए हैं, और माँ के गर्भ में सबके साथ वही हुआ जो एक के साथ हुआ, सबके साथ वही हुआ, और ऐसे ही सब में मन है,
मन क्यों अलग अलग हुआ, क्योंकि जिस घर में पैदा हुआ उसके संस्कार उसको वैसे मिले, वो हिंदू बन गया। सिख के घर में पैदा हुआ उसको सिख धर्म के संस्कार मिले, वो सिख बन गया। इस्लाम धर्म के पैदा घर में पैदा हुआ उसको वहाँ के संस्कार मिले, वो मुसलमान बन गया। हम जहाँ बनाए गए हैं हिंदू मुसलमान, ना हम जन्म से पहले कुछ थे और ना जन्म से बाद हम कुछ रहेंगे। हमको बनाया गया है, इसलिए हमने बनना नहीं है। जो बनेगा वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ेगा, क्योंकि उसकी अटैचमेंट हो गई। हिंदू की हिंदू धर्म से अटैचमेंट होगी, मंदिर से अटैचमेंट होगी, सिख की सिख विचारों से अटैचमेंट होगी, इस्लाम धर्म की इस्लाम धर्म। जो अटैचमेंट में है, बंधन में है, किसी सर्कल में फंस गया, उसको सर्कल से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंसान बनो का नारा लगाया गया बाबा फकीर। बाबा फकीर आए जिन्होंने इंसान बनो का झंडा लहराया कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल इंसान हो, इंसान के रूप में जियो, इंसान के रूप में ही मरो, और इंसान के रूप में जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे के वैसे तुम वापस अपने घर चले जाओगे। क्या कहा मैंने, लेकिन इस बात को आम आदमी कहाँ समझने की कोशिश करेगा। आगे बोलो। आया होए न्याओ करी न्यारो, आया होए न्याओ करी न्यारो, परम तत्व निवारो। कहते हैं अगर तुम आए हो जीवन में तो कुछ अपना विचार करो, न्याय करो, और न्याय क्या करो, कर्म का, कि कर्म क्या करना है। पढ़ो यही लाइन। आया होए न्याओ करी न्यारो, परम तत्व निवारो। विचार करो, न्यारा करो अपने आप को कि परम तत्व क्या है तुम्हारे अंदर। यही लिखा है ना जी। परम तत्व कौन सा है? वो तुम्हारा शरीर नहीं है, वो तुम्हारा मन नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा नहीं है, वो इन तीनों की साक्षी है, वो तीनों को देखता है, वो है तुम, वो परम तत्व की आंख है, उसको देखना। कहते इसका ख्याल करो, वो तुम्हारे अपने अंदर है, क्योंकि सब में वो ही समाया है। अगर दूसरे नहीं प्रवाह करते तो ना करें। तुम्हें तो ज्ञान हो गया, तुम तो देख लो तुम कौन हो, अपनी झलक को अपने अंदर देखो। वो कहते हैं फिर पढ़ो यही लाइन, फिर पढ़ो। आया होए न्याओ करी न्यारो, न्याय करो किससे? अपने आप से, दूसरों से नहीं न्याय करना, अपने आप से न्याय करो कि मेरे अंदर परम तत्व क्या है, वो तत्व कौन सी चीज़ है। पांच तत्व तो हैं, ये तो पता लग गया कि शरीर पांच तत्व का बना है, ये भी पता लग गया। मन क्या है? ख्यालों की पोटली है, कल्पनाओं की पोटली है, आशाओं की पोटली है, कुछ चाहते हैं हम, ये मन है। और क्या है मन? जिसको देखा उसके पीछे भागता है, जो सुना वहाँ दौड़ता है कि वहाँ कथा बड़ी प्यारी होती वहाँ चलो। क्या कहा मैंने, ये कोई चीज़ खा ली उसका स्वाद ले लिया, वो वहाँ होटल में बड़ी अच्छी मिलती वहाँ से ले आओ, ये मन है तुम्हारा। क्या कहा मैंने, आत्मा कहीं नहीं जाती, आत्मा तुम्हारे शरीर को कायम किए हुए है। और इन तीनों के ऊपर एक और चीज़ है, वो एक तत्व है, उसको सुरत का नाम दिया गया। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, क्योंकि वो उसकी अंश है जिसका स्वयं कोई रूप नहीं है, जिसका स्वयं कोई रंग नहीं है, ना वो अरंग है। इसलिए कहीं उन्हें उसको निरंकार कह के उसकी पूजा करनी शुरू कर, निरंकार ये बन गए, प्रकाश दिखाते देते हैं और कहते हम निरंकार को पूजते हैं, वो भी कि नहीं पहुँचे, वो आत्मा तक रह गए। आगे। सहज ही रहे समाए सहज में, सहज ही रहे समाए सहज में, ना कहूँ आवे न जावे। वो कहते हैं जो कुछ हो रहा है सहज में हो रहा है, अपने शरीर के कर्म को देखो, आपके शरीर में हर घटना सहज से हो रही है ना,
सांस अपने आप सहज से चल रहा है, दिल की धड़कन अपने आप सहज से चल रही है, हमारी नब्ज अपने आप सहज से चल रही है, हमारी आंतें अपने आप रेगुलर काम कर रही हैं, पाचन शक्ति अपने आप कर रही है, समय आने पर पानी पिया हुआ पेशाब के रूप से निकल रहा है और मन भी वक्त पर अपने आप निकल आता है। क्या कह रहा हूँ, कहीं कुछ करने की जरूरत है? कहते सहज में सब कुछ तो हो रहा है, तू किस लिए भटक रहा है इंसान? तुम सहज में आ जाओ, कहीं आने और जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ो जय ही लाइन दोबारा। सहज ही रहे समाए सहज में, ना कहूँ आवे ना जावे। अब इस काम के लिए कहीं तुम्हें जाने की पड़ती जरूरत पड़ती है? कबीर साहब का सवाल है, कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा जी सांस नहीं आता, सांस तो उनको नहीं आएगा जो बीमार हैं, मेरा दिल नहीं धड़क रहा, डॉक्टर के पास जाते हो तुम? तुमने कोई गलती की है तो दिल की धड़कन कम हो गई या ज़्यादा हो गई, ये तुम्हारी खुराक पर निर्भर है, तुम्हारी नब्ज चल रही है सब कुछ। क्या तुम्हें अपने शरीर की इस जो घटना सहज में चल रही है उसको नॉर्मल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत पड़ती है? कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम गलती करते हैं, जब हमारा खाना बिगड़ जाता है, हमारा देखना बिगड़ जाता है, हमारा सुनना बिगड़ जाता है, हमारी रहनी बदल जाती है, तो हमारे शरीर को कष्ट होना लाजमी है, फिर तुम्हें अपनी सेहत के लिए दूसरे पास जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा शरीर नॉर्मल हो जाए। वैसे बच्चे को कोई कहीं नहीं ले जाता, वो माँ बाप की गलती होती है, उसमें बीमारी आती है। क्या कहा मैंने, बात को पकड़ने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं कहाँ जाने की, किस मंदिर में जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ बताइए, किसके आगे मत्था टेकूं? वो तभी तो कह दिया कबीर साहब ने एक और शब्द में, अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत जुगता। वो कहते हैं धोती पहने या धोती ना पहने से वो खुश नहीं होगा, भूखे रहकर भी कुछ नहीं होगा। अगर मूर्ति बोले तो मैं भी ले आऊँ 5 टके से लाकर उसको रखूँ नहाऊँगा भी, लेकिन वो तो बोलती नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला कर दिया, दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। तुम अपना धर्म पूरा करो, वो धर्म ये नहीं है जो दुनिया का धर्म है ना, वो धर्म तुम्हारे अपने परिवार के प्रति है, पुत्र के रूप में माता पिता की सेवा, पति के रूप में पत्नी की सेवा, बाप के रूप में बच्चों को काफ़ी लायक बनाना, और इंसान के रूप में समाज में रहते हुए समाज के कारोबार को देखना और संभालना और सरकार की आज्ञा का पालन करना, ये इंसान है। वो इंसान है जो दूसरों के पीछे भागा हुआ है, वो इंसानियत नहीं है। क्या कहा मैंने, सहे कुछ शब्द बाद को त्यागे सारे गर्व गुमाना, ये कबीर साहब कहता है। अपना सा जीव सबको जाने तप आवे अविनाशी, वो कब मिलेगा? जब हम सबको अपने जैसा समझेंगे कि सब में वो ही है, तब जाकर होगा। अगर किसी से वैर, किसी से विरोध, किसी से ईर्ष्या, किसी से नफरत, वो कहाँ जाएगा? और हमारे समाज में हो क्या रहा है, आप सामने ही हैं सबके, कहीं प्यार नहीं है, कहीं भी प्यार नज़र नहीं आता, कहीं इंसानियत का ही कोई चीज़ नज़र नहीं आती, सब भूल गए हैं, बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, हर इंसान कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत क्या है, तुम्हारे तो घट में बैठा है, घट में है, सूजित नहीं। लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोती अबिंद, यही तो कहा। और अशोक ने एक शब्द सुनाया था, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा,
तुम्हारे संग समाई। अब संतों ने इतना बड़ा कह दिया, फिर भी हमें विश्वास नहीं आता, फिर भी हम वही करते हैं जो फूल तोड़ा और मूर्ति के सामने पट पानी का जग ले गए और जाकर ढोल दिया, दूध लेकर जाकर डालते हैं, बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता और पत्थर के ऊपर दूध डाला जाता है। कहाँ की मूर्खता है ये कलयुग में। यही इसलिए तो कहा गया कल केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम है, बाकी कोई पूजा नहीं है, कोई अर्चना नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल गुरु के दिए हुए नाम को पकड़ो और उसको पकड़कर उस पर विश्वास करके चलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्या कहा मैंने? तो ये शब्द मैंने खास तौर पर, मैं बैठा था कल परसों तो मेरे सामने आया, मैंने कहा ये शब्द कहना चाहिए क्योंकि ये इंसानियत का शब्द है और महाराज जी ने इंसानियत का ही हमें संदेश दिया है, इसलिए मैं इसको बल बल से बार बार कह रहा हूँ, मसाले दे दे कर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें तो कहीं जान, ए इंसान तू पूर्ण है, तू पूर्ण से आया है तो पूर्ण होकर अपूर्ण की पूजा क्यों कर रहा है? सवाल तो ये है। नामदेव जी का एक, मुझे भूल गया, मैं जब पढ़ाता था कॉलेज में तब तो मुझे याद था शब्द नामदेव जी का, वो कहते हैं दुनिया को देखकर मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारे देश में सांप की पूजा तब भी होती होगी, तब ज़्यादा होती होगी, अब कम हो गई है। तो कहते कईयों ने सांप मिट्टी का बना के रखा हुआ है पूजा करने के लिए, कईयों ने चांदी का रखा हुआ है, कई बड़े धनी लोगों ने सोने का बना के रखा हुआ है, सांप की पूजा करते हैं और दूध रखते हैं उसके सामने, फिर क्या करते हैं उसको खुश करने के लिए, देवता को खुश करने के लिए जानवर को काट देते हैं, मार देते हैं। क्या कहा मैंने? वाह कबीर साहब, उसने कहा अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे नित्य ही लाए मेवा। जो गढ़ के रख लिया उसके लिए तो जानवर भी कत्ल किए जाते हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी क्या नहीं हो रहे हैं, मूर्ति के आगे कदे करके काट देते हैं, तो क्या उनको कल्याण हो जाएगा? और वो उन्होंने बड़े ताने से कहा कि अगर जिंदा सांप सामने आ जाए तो लठ लेकर उसके सिर को तोड़ देते हैं, इससे बड़ी हैरानी की क्या बात हो जाती है। क्या कहा मैंने? हमने नहीं समझा, संतों ने बहुत जोर लगाया, आखिर में वो चुप हो गए कि ये दुनिया काल और माया की है, अपने आप को निकालो, ये कुछ सुने तो सुना दो, नहीं सुने तो ना सुनाओ, क्या जरूरत पड़ी है? क्या कहा मैंने? बाबा फकीर भी कहा करते थे, मैं फंस गया, मैंने प्रॉमिस किया दाता से कि जो मेरा अनुभव होगा मैं दुनिया को बता के जाऊंगा, वरना अब उपराम हो गया है, सत्संग करने को दिल नहीं करता, ऐसा कहा करते थे। क्यों नहीं करता? क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, इस वाणी की कदर करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, सब मन के पीछे भागे हुए हैं, कभी अपने आप को उसके हवाले करते नहीं हो। तुम उसके हवाले हो जाओ वो तुम्हारे हवाले हो जाएगा, तुम मन के हवाले हो तो इसलिए मांगते ही रहोगे सदा, उसके दरबार में आकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं मांगो उससे, उसको मांग लो वो मिल जाएगा, तुम्हारे सारे काम अपने आप हो जाएंगे, लेकिन ये हालत प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, बार 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 मन के ऊपर चोट लगानी पड़ेगी और नाम की चोट लगानी पड़ेगी, गुरु का दिया हुआ वचन उसको दोहराना होगा, तब जाकर मन कहीं ठहरता है, वरना ये नहीं ठहरता। आगे पढ़ो। धरे न ध्यान करे नहीं जप तप, धरे न ध्यान करे नहीं जप तप, राम रहीम न गावे। जब ये हालत पैदा हो जाए कि वो बाहर है नहीं, वो जप तप नहीं करता। पढ़ो यही लाइन। धरे न ध्यान
करे नहीं जप तप, वो ध्यान भी नहीं करता जप तप भी नहीं करता और नहीं क्या करता, आगे पढ़ो। धरे ना ध्यान करे नहीं जप तप, राम रहीम न गावे, वो ना राम को याद करता ना रहीम को याद करता, किसको याद करे, उसकी अंश तो तुम्हारे अपने अंदर बैठी है। क्या कहा, वाह वाह कबीर साहब तुमने तो कमाल कर दिया, सब कुछ ही खत्म कर दिया, नहीं जाने की जरूरत कहीं, तुम केवल अपने अंदर जाने की कोशिश करो, तुम केवल अपने आप को देखो तुम कौन हो, तुम केवल गुरु की आज्ञा का पालन करो अगर तुम्हारा गुरु कोई है, और उस पर विश्वास करो। गुरु वाक्य मूल मंत्रम, गुरु का वाक्य मूल मंत्र होता है, और पूजा मूलम गुरु पदम, उसका मतलब ये नहीं कि गुरु के पैरों की पूजा करनी है, वो पदम उनका आपके अंदर है, वो प्रकाश रूप है। फिर क्या कहा उन्होंने, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, दुनिया चाहते हो तो गुरु मूर्ति का ध्यान करो। दुनिया चाहने वाले जिनको दुनिया चाहिए, मैं तो जहाँ तक भी कहने के जूझ पड़ गई कि जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं ध्यान भी क्यों करूं। क्या कहा मैंने, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, मेरा तू हो गया बस, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए, जब मैं तुम्हें मान लिया कि तू मेरा है तो मैं तेरे से मांगू क्यों, क्या मांगू कभी सब क्या मांगू, कुछ थिर ना रहाई, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मांगूंगा वो तो रहना नहीं है, वो तो रहेगा नहीं, मुझे तू ही चाहिए जो नहीं जो रहने वाला है। तो जो रहने वाला है जब उसका ज्ञान हो गया कि वो मेरा है मैं उसका हूँ, तो फिर ना जप करने की जरूरत है, ना तप करने की जरूरत है, ना मत्था टेकने की जरूरत है, ना पूजा ना पाठ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुबह जैसे वक्त मिले अपने आप को उसके हवाले करते रहा करो बस, और कुछ भी नहीं करना, मैं तेरा हूँ बस। मुझे ना पाठ आता है, ना मुझसे सिमरन होता है, ना मैं ध्यान कर सकता हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तू चाहिए। बात बन गई, ये बहुत ऊंची स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ो फिर यही लाइन। धरे न ध्याने करे नहीं जप तपो, राम रहीम न गावे, कोई जरूरत नहीं है किसी को याद करने की, याद किसकी करनी है, अपने तत्व की, अपने अंदर जो बैठा है उसकी याद करनी है, कि तू राजा सामने मेरे, मैं देखना चाहता हूँ, ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, ये मन मेरे को बहुत तंग कर रहा है, मैं इसको तुम्हें समर्पित करता हूँ। जब दो बातें उधर हो जाएंगी, तन थिर मन थिर, सुरत अपने आप थिर हो जाती है। क्या कहा मैंने, तन थिर नहीं है तो मन भी थिर नहीं होगा, मन थिर हो गया तो तुम ठहर गए, तुम शांत हो गए, कैसे, जैसे सागर शांत होता है किसी वक्त। क्या कहा, नहीं तो जैसे चांदनी में उसमें ज्वार भाटे आते रहते हैं, सारा दिन यही मन करता रहता है, इसको ठहराना है, कहीं भी ठहरा लो, जैसे भी ठहरता है उसको ठहराने की कोशिश करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। आगे पढ़ो। तीर्थ बरते सकल परित्यागे, तीर्थ बरते सकल परित्यागे, सुन डोरी नहीं लावे, बस कहते न तीर्थ न व्रत कुछ नहीं, और वो सुन की भी डोर नहीं लगाता कि मैं बिल्कुल सुन हो जाऊं। पता नहीं क्यों कहा, ये तो कबीर साहब जाने, सुन क्या है, शरीर और मन का ठहरना, लेकिन वो ठहर गए तो उसके आगे भी है ना कुछ, वो क्या है, वो है आगे प्रकाश है और शब्द है, उसमें जाना हमने। क्या कहा मैंने,
जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तब तक तसल्ली नहीं होगी। जब तुम वहाँ जाओगे तुम्हारी संभाल अपने आप होने लगेगी, अपने आप तुम्हारा इंतज़ाम होता रहेगा। तुम्हें खाना भी पसंद नहीं होगा जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, हटा दोगे आप, देखना आपने। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। तीरथ बरते सकल परित्यागे, सुन डोरी नहीं लावे, यह धोखा जब समझ पड़े तब, यह धोखा जब समझ पड़े तब, पूजा का ही पूजावे। पूजा करता है ना, पूजा करवाता है, कुछ नहीं करता और क्या करता। आगे पढ़ो। जोग जुगत ते भरम न छूटे, जोग जुगत ते भरम न छूटे, जब लग आप न सूझे। कहते हैं ये दुनिया के भरम किसी भी जोग जुगति से नहीं खत्म हो सकते। तुम भागते रहोगे, इधर से सुनी वहाँ चल पड़े, इधर से सुनी उधर चल पड़े, ये इसके लिए योग युक्ति कोई काम नहीं करती। कब तक, जब तक अपने आप को तुमने नहीं देखा। पढ़ो ये लाइन। जोग जुगत ते भरम न छूटे, ये भरम नहीं जाएंगे कभी भी कि तुम वहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। मन तो कुछ चाहता है कि ये हो जाए तो ये करेंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे, ये हो जाए तो करते हैं ना लोग, सुखना सुख दे। मैं आपको बात बताता हूँ। मैं जब छोटा था तो हमारे पंजाब से लोग कई देवर सिद्ध जाते हैं, बाबा बालकनाथ जाते हैं, पार्टियाँ जाती थी, लोग पैदल चलते थे, तब तो कारें थी नहीं, गाड़ियाँ भी कहाँ थी, तो पैदल चलते थे। देख मेरे बचपन से याद है, जब मैं छोटा था तो पिनियाँ बना लेते थे, पिनियाँ और पीपा भर लेता है। कहाँ चले जी, यात्रा में चले हैं। कहाँ चले यात्रा, देवर सिद्ध पहाड़ों में है। मैं कहा अच्छा, तो 7 दिन के बाद आएंगे, 3 दिन 4 दिन लगने, फिर जब वापस आना, पैदल जाना पैदल आना। तो मैं बीमार हो गया, तो विश्वास होता है लोगों को। मेरी माँ ने सुखिया कि बाबा बालकनाथ बाबा जी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं तेरे कुदड़ू छुड़ाऊँगी, कुदड़ू मीन बकरा छुड़ा दूँगी, तो उन्हें मारना नहीं है, फिर छड़ देना, जाके छड़ देना, मारना नहीं है। मैं बड़ा हो गया, महाराज जी की संगत में आ गया, महाराज जी की संगत में आ गया, वहाँ बैठे महाराज जी, मैं कुछ पास बैठा। मैं कहा पिताजी, जब मैं छोटा था तो मैं बीमार हो गया था, तो मेरी माँ ने सुखना सुखी, कहते क्या बेटा सुखना सुखी, भाई बालकनाथ बाबा मेरा बच्चा ठीक हो जाए मैं तेरे कुदड़ू छुड़ाऊँगी। उन्होंने पता होगा पे कुदड़ू की हुंदा, पे बकरा मारना नहीं है, उत्थे छुड़ा देना, तेन अर्पण कर दिता। कहते देखो बेटा, उनका विश्वास है, उनको तूने ठेस नहीं लगाना कि माँ नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं कहना। तेरा विश्वास, तू और ख्याल का है, वो पुराने ख्यालों के बुजुर्ग हैं, इसलिए उनको ये मना नहीं करना, अगर वो जाना चाहे तो उनको जाने देना। मेरी बात समझ गए। ये था हमारे हमारे परिवारों में, अब भी है, कई सिर हिलाते हैं ऐसे ऐसे, फिर उनके पास लोग जाते हैं कि भाई हमारे दूर हो जाए, ये हो जाए, सब चल रहा है। ये सागर है, मछलियाँ हैं, छोटी है बड़ी है, बड़ी है बड़ी है बड़ी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हमें किसी से क्या लेना। हम तो संत मत के अनुयायी हैं, हम तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। वो कहते हैं वे तेरा भ्रम तब तक नहीं जाना। कौन सा? संसार का भ्रम, दुनिया का भ्रम, जीने मरने का भ्रम, जन्म मरण का भ्रम, पूजा पाठ का भ्रम, तीर्थ यात्रा का भ्रम, व्रत रखने का भ्रम, ये क्या है? भ्रमी है और है क्या? मिलना तो कुछ नहीं। कब तक? जब तक आप अपने आप को नहीं जान लेते पे मैं कौन हूँ। राजकुमार राजा का बेटा कहीं पूजा नहीं करता, क्या कहा, उनकी पूजा पंडित करते हैं, अब तो रहे नहीं,
अब तो मंत्री भी दौड़े फिरते हैं मंदिरों में, उल्टा काम हो गया। उनको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम जीत जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो तब जीत जाएंगे, वहाँ मत्था टेके तब जीत जाएंगे। अपने कर्म कोई नहीं देखता। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस्त की तैसु फल चखा, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना, स्वामी जी महाराज कह दिया। कर्म गति चारे नहीं डरे, ये कबीर साहब ने कह दिया। ऐ इंसान तू अपना कर्म ठीक कर ले, बाकी कुछ मत कर। तभी तो बाबा फकीर जी ने कह दिया, ऐ इंसान तू नाम ना जप, राम नाम ना जप, ना जप कोई गल नहीं, अपनी नीयत साफ रख और अपना कर्म ठीक कर। ले बात खत्म कर दी। अगर फिर भी हम नहीं मानते, इतना आसान कर दिया उन्होंने काम। नीयत से सब कुछ होता है ना, नीयत बुरी तो कर्म बुरा। तुम्हारे मन के अंदर कोई भी थोड़ा सा दूसरों के प्रति विक्षेप पैदा हो गया, कोई स्वार्थ पैदा हो गया, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, तुम नाम भी नहीं जप सकते। बस जिनका मन साफ नहीं वो नाम कैसे जपेंगे, नहीं जप सकते। ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, शत्रुता है, वो नाम नहीं जप सकते। क्या कहना है, पढ़ो जय। जोग जुगत ते भरम न छूटे, जब लगे आप न सूझे। अपने आप को जब न सूझ लोगे कि मैं कौन हूँ, बस जिस दिन वो झलक मिल गई तुम आजाद हो गए। आगे पढ़ो। कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा, कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। कहते हैं कबीर साहब, कहते हैं वो सतगुरु पे पूरा है जो इन बातों को समझ लेगा, वही सतगुरु है, क्योंकि उसका अपने आप का ज्ञान हो गया, वो सतगुरु है। और वो अंदर है तुम्हारे, बाहर नहीं है। बाहर के महापुरुष की ये ड्यूटी है, अगर वो निर्लेप है, निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, तो वो अपने शिष्य को पूर्ण का पूर्ण ज्ञान दे देगा। ये बात मैं अब आपको महाराज के जन्मदिन पर खोलूँगा कि वो ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान मुझे दिया मेरे दाता ने, वो मैं बताऊँगा। बात समझ गए। मैं जनरल बात करता रहता हूँ, इशारा करता रहता हूँ, लेकिन 18 नवंबर को मैं, जो हुजूर ने इस छोटे कमरे में मेरे को अकेले में जो कुछ कहा था, अगस्त महीना 1980 की बात है, वो मैं वहाँ आपको बताऊँगा कि ऐ इंसान तू ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, ये पूजा पाठ क्या है, कहाँ तक तुम्हें मदद करेंगे। ये कबीर साहब ने आज खंडन कर दिया, मैं भी इन बातों का खंडन करता हूँ कि इनसे तुम्हारे मन की मनोकामना पूरी हो सकती है, तुम पार नहीं जा सकते, आवागमन नहीं खत्म होगा। ये जितने भी, क्या कहूँ मैं, जितने भी ये बड़े बड़े बैठे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये मरकर वहीं पैदा होंगे, कबूतर बनेंगे, जानवर बनेंगे, कुछ बनेंगे, वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकते, उनका आवागमन कभी नहीं छूटेगा, ये निश्चित है, ये टल है। इसलिए हमें किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम अपने आप को उसके हवाले करते रहा करो और अपनी नीयत को साफ रखो, बाल बच्चों को पालन करो, इनको नेक बनाओ, इनको बड़े बनाओ, इनको शिक्षा अच्छी दो, इनको संस्कार अच्छे दो, इनको मत भटकने दो कहीं भी। मेरी बात समझ गए। अब मेरे बच्चे वो कहीं नहीं जाते, क्योंकि उनको पता लग गया हमारा दादा ये करता है, तो वो नहीं करते, कहीं भी नहीं जाते, बस जाने लगे काम पर जाएंगे, हजूर को प्रणाम करके जाएंगे, आ जाएंगे प्रणाम कर देंगे, बस इतने काफ़ी है। बात समझ गए ना मेरी। तो आज कबीर साहब की बात आपको सुना दी, और कबीर साहब ने जो अंतिम स्टेज वो भी आपने शब्द सुन लिया, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ जन्म मरण नहीं है, वहाँ जो संसार नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वो है, वहाँ वो है, बाकी कुछ नहीं है। वो कौन है जो उसको देख रहा है? कबीर ने देखा तो तभी कहा ना कि वहाँ सूर्य चांद सितारे नहीं, वो तो कायम है। कबीर तो वहाँ कायम है ना कि नहीं,
वो कहता है जहाँ ना सूरज है ना चाँद है ना तारे हैं ना बारिश है ना कुछ है ना दुख है ना सुख है, यही कहा ना। तो इसका मतलब कबीर साहब देख रहे थे, ही वाज देयर। तो वो जो वो है कबीर जो सदा रहने वाला है वो वहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या कहा मैंने? तो मैंने बहुत कुछ छोटे शब्दों में कह दिया। आप लोग सुखी रहो और अपने आप में जाने की कोशिश करो। मेरी हार्दिक शुभकामना और सबको राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।